हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का टॉपिक जो हम 1.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में मैं ये बता देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि हमने जो टर्मिनेटिंग टर्म पढ़ी थी और एक पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म में एक थी रिपीटिंग और एक थी नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म में से हमें कहे ये जो रिपीटिंग टर्म है ये रेशनल नंबर बन सकती है। रिपीटिंग टर्म है उसको किसमें चेंज करना हमें रेशनल नंबर। तो कहने का मीन्स ये हो गया जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग टर्म है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टर्म है वो दोनों किसको बताती है रेशनल नंबर को। यानी टर्मिनेटिंग टर्म है उससे भी रेशनल नंबर बनेगा और नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें रिपीटिंग टर्म है उससे भी क्या बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। तो ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग टर्म है उससे रेशनल नंबर बनाना। इसके बाद में जो नॉन टर्मिनेटिंग एक टर्म बच जाती है नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग है वो होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म से रेशनल नंबर बनता है और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग टर्म से इरेशनल नंबर बनता है, वो इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे अपना क्वेश्चन है जैसे 0.3333 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद में डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म हुई है। अब इसको चेंज करना है, चेंज इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, और हमें पता है पी बाय क्यू फॉर्म किसकी होती है रेशनल नंबर की। तो हमें 0.333 एंड सो ऑन चेंज इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में चेंज करना है। पी बाय क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कहते हैं जैसे हमने ले लिया एक्स, या फिर x को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 जो नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बार। बार का मतलब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू 3 बार बार आ रहा है इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया बार का साइन लगा दिया जिसका मीन्स है 3 ही नंबर रिपीट हो रहा था। अब पॉइंट के बाद में देखना है हमें कि कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद में अपने पास में ओनली फॉर 1 डिजिट जो कि है अपने पास 3, 1 डिजिट है, एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट रिपीट हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से एक डिजिट के लिए। अगर दो डिजिट रिपीट हो, जब दो डिजिट रिपीट हो तो उसको हम 100 से करते हैं, जब 3 डिजिट हो तो हम 1000 से करते हैं। तो अपने पास से पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास इस साइड में x है 10 इंटू एक्स और 0.3 है तो 0.3 बार इंटू 10। 10 इंटू एक्स हो गया 10x और 0.3 बार है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कैसे करें। 0.3 बार का मीन्स हम देखें तो 0.3 बार बनाया आपने 0.3333। अब हमें जैसे क्वेश्चन दे रहा है सपोज 5.15.61 इसको मल्टीप्लाई करना हमें 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतना पीछे चला जाता है, जितने जीरो होते हैं
पॉइंट उतना पीछे चला जाएगा, यहाँ पर 10 में 10 है तो 156.1, अगर यहाँ पर 100 होता तो 0.2 डिजिट के पास चला जाता। यहाँ पर हम देखें 0.3 के बाद में बार है, 0.3 का मींस है 0.333 एंड सो ऑन, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें है जीरो आया है 110, इसका मीन से पॉइंट जाएगा एक नंबर पीछे, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 3 के बाद में, 3 के बाद में आने का मीन से आगे क्या बच गया, जीरो बच गया, 3 बच गया, पॉइंट यहां से उठ के इसके पीछे चला गया और 3 3। अब 0 3 का मीन्स होता है 3 पॉइंट, और यहां पर पॉइंट के बाद में देखे तो क्या हो रहा है, 3 3 3 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, इसका मीन्स मैंने कह दिया 3 बार। तो यानी 0.3 बार को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.3 बार, ये आ गया। इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में दे रखा है 10x और फर्स्ट में देखते हैं यही चीज, फर्स्ट में दे रखा है x, इक्वेशन सेकंड में देखते हैं 3.3 माइनस, फर्स्ट में देखते हैं 0.3, 10x माइनस एक्स। अब के 10x में से x कैसे माइनस करें, अगर x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं 10x, x का मीन है 1x, 10 माइनस 1, 10 में से 1 माइनस किया तो अपने पास आ गया 9 और x एज इट इज 3.3 बार माइनस 0.3 बार, इसको माइनस कैसे करना है, 3.3 ये बार है। अब पॉइंट के नीचे हमें पता है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखनी है, पहले पॉइंट के बाद की वैल्यू है 3 बार तो ये 3 बार और पॉइंट के पहले है 0 तो 0 लिख दिया। अब हम इनको माइनस करते हैं, 3 बार माइनस 3 बार, यहां बच गया 0, 3 माइनस 0 ये बन गया 3.0, 3.0 का मीन्स होता है 3.0 को हम कह सकते हैं 3, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है जैसे 5 है या 54 है, 54 के पीछे आप पॉइंट लगा दिया और 0 लगा दिए, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा 54 ही रहेगा, इसलिए हमने 3.0 को क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 3.0, 3.00, 000, 40 कितने भी 0 हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, हम पॉइंट हटा सकते हैं उसकी वैल्यू वही रहती है। तो 9x = 3 आ गया। अब हम x = लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है वो हमेशा कहां जाता है, डिवाइड, हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, 9 को डिवाइड में भेजते हैं, हमें पता है अगर कोई नंबर एडिशन में दे रखा हो, प्लस में दे रखा हो, तो हमेशा वो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बन जाता है, अगर वही माइनस का हो और ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो कहां जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में दे रखा हो तो ट्रांसपोज करने पर मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो यहाँ 9x का मीन्स 9 × x यानी मल्टीप्लाई में, तो वो कहां जाएगा, डिवाइड में, यानी डिवाइड का मीन्स 3 के अपॉन, यहां से ऊपर था, ऊपर से ये कहां चला गया, नीचे, 3/9 आ गया। अब ये 3/9 देखे, 3 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों मल्टीपल है 3 के मल्टीपल है, इट मीन्स ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे। हम कोई भी जो फ्रैक्शन नंबर आता है हम उसको हमेशा किस में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको आंसर को यहां तक नहीं छोड़ना, आपके अकॉर्डिंग आंसर राइट है, बट हमेशा कोई भी फ्रैक्शन नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, उसको हमेशा हम किस में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 3 और 9 3 के मल्टीपल है, इट मीन्स 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 3 9। अब दोनों नंबर का एचसीएफ है वो 1 है, इसका मीन्स ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था 0.333 के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करें, यहां पर ये रख दें 5.643643643 एंड सो ऑन। इसको p/q की फॉर्म में चेंज करना है, इसको p/q की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले
इसको लिख देते हैं x इक्वल टू 5.643643 एंड सो ऑन। अब रिपीट कितने हो रहे हैं इसमें, यहां पर डिजिट हो रहे हैं पॉइंट के बाद में 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 643 रिपीट हो रहे हैं, तो 643 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहा। अब मैंने बताया था कि हमें मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 10, 100, 1000 से, जितने डिजिट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट रिपीट हुए हैं तो 3 डिजिट रिपीट हुए हैं, इसका मीन्स क्या है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, एक्स है तो 1000 को हम इसे एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से। सेकेंड है 5.643 बार मल्टीप्लाई करना है 1000 से, एक्स को 1000 से किया तो क्या बन गया 1000x। अब 5.643 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 5.643 का मीन्स है 5.643643 एंड सो ऑन, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब हमें पता है 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने जीरो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट को हम पीछे ले जाते जाते हैं। जैसे 1000 से करना है तो 3 नंबर, 3 0 है तो 3, 1, 2 एंड 3, यानी ये कहां आ जाएगा, 3 के जस्ट बाद में, यहां पर 6 से पहले था और ये 3 नंबर 1, 2 एंड 3, इस 3 के बाद में चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 5, 6, 4, 3.643 एंड सो ऑन। इट मीन्स हम कह सकते हैं 5, 6, 4, 3। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू देखें तो पॉइंट के बाद में दे रखा है 6, 4, 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू 6, 4, 3 बार बार आ रहा है, इसका मीन्स हम लिख सकते हैं 6, 4, 3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। इसका मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 5, 6, 4, 3.643 बार। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट माइनस करते हैं। सेकेंड है 1000x, फर्स्ट है अपने पास में x, सेकेंड में है 5.643 माइनस 5.643 बार। अब इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख दिया 5643.643। अब पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट यूज करना है हमेशा, पॉइंट के बाद के 643 ये बार दोनों पर, पॉइंट के पहले क्या है 5, माइनस किया 0.0, 3 माइनस 5 इट मीन 13 बन गया ये, और ये बन गया 3, 13 माइनस 5, 8 और 5, 13 होते हैं तो 8, 13 में से 5 माइनस किया तो कितना आया 8 आया, 3 का 3, 6 और 5 तो अपना आ गया 5638.0। और आपको पता है पॉइंट के बाद में जीरो कितने ही हो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी पॉइंट अगर हम हटा देंगे तो भी ये रहेगा 5638। तो हम लिख देते हैं 5638। अब पॉइंट से यहां पर इक्वेशन के इस साइड में देखें तो यहां दिख रहा है 1000x माइनस x। अब x को भूल जाते हम, x के अलावा यहां पर दिख रहा हमें 1000 और यहां पर x का कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1000 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा अपने पास में 999x। अब आपको पता है ट्रांसपोजिशन, यानी 999 को हमें क्या करना है, दूसरी साइड में ट्रांसपोज करना है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा 5638/999। अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे अपॉन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो ऊपर वाला नंबर 3 से होना चाहिए, चेक करते हैं 5 और 6 11 11 और 3 14 14 और 8 22 22, 3 से डिवाइड नहीं होता और 9 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये इस नंबर की क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद में ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर रिपीट होते हैं
कुछ नंबर रिपीट नहीं होते हैं, तो उनको कैसे P बाई Q की फॉर्म में चेंज किया जाता है, उसके लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।